Assalamualaikum guys, my name is Abdul Hanan Chizma. पर आज हम लोग आप लोगों के लिए किचन में लाए हैं चिकन कढ़ाई. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने ये चिकन लिया है आधा किलो, और ये मैंने इसके साथ दही ली है, दही मैंने लिए आधा कप, और ये मैंने लेमन जूस लिया है तकरीबन 2 चम्मच, और इसमें 6 से 7 जो है आप लहसुन के जवे इस्तेमाल कर सकते हैं. इतनी ये मैंने छोटी प्याज ली है जो मैंने कूट ली है, और ये मैंने 2 हरी मिर्ची इतने साइज़ की ली हैं, ये 2 टमाटर मैंने डाले हैं, 1 इंच का टुकड़ा तकरीबन मैं अदरक डाल रही हूँ, और ये 3 मिर्च तीखी होती है इस वजह से सिर्फ मैंने छोटी छोटी 3 ली हैं, और ये 1 हरी मिर्च मैंने काट ली है, ये धनिया लिया है थोड़ा सा है 3 चम्मच है, और ये मैंने वही प्याज जो है इसको मैंने कूट लिया है, और ये लहसुन है ये मैंने इसको भी कूट लिया है, और ये अदरक है मैंने बारीक काट ली है, और ये जो है 2 चम्मच मैंने ये मक्खन के अच्छे जायके के लिए ये मैं मक्खन इस्तेमाल करूँगी, और ये बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्च है, और ये छोटी रेड मिर्च है ये मैंने काट के रख ली है, ये मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी. अभी इसमें जो मिसाले जाएंगे वो ये हैं, ये मैंने कुछ धनिया पिसा हुआ है ये 1 छोटी चम्मच है, और ये भी 1 छोटी चम्मच हल्दी है, ये 1 छोटी चम्मच रेड मिर्च है, और ये 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च है, और ये मैंने ज़ीरा भून के इसे मैंने कूट लिया है, ये भी 1 छोटी चम्मच है, और ये नमक है 1 छोटी चम्मच है. आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, ये प्याज जो मैंने कूट के रखी थी ये मैंने इसमें डाल दी है, और ये जो लहसुन मैंने रखा हुआ था ये भी मैंने डाल दिया, ये अदरक जो रखी थी ये भी मैंने बारीक ये भी कटी हुई ये मैंने इसमें डाल दी है, ये जो हमारा दही था ये भी मैं इसी में डाल दूंगी. ये जो मैंने पूरे मिसाले निकाले हैं तो ये सारे मैं इसी में डाल दूंगी, ये लेमन जूस भी इसी में जाएगा. अभी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ. इसको अच्छी तरह मिक्स करना है. ये मिक्स हो गया तो अभी मैं ये इस चिकन में डाल रही हूँ. इसे आप चम्मच या कांटे से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हाथ से मिक्स करूँगी कि अच्छी तरह मिक्स हो जाता है. पूरे इसमें लगाना है, कोई भी टुकड़ा इसका रह ना जाए. ये आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो गए. तो अभी मैं इसको रख दूंगी आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको. ये मैंने दरमियानी आंच पे 2 चम्मच ऑयल रखा है, ये आप देख सकते हैं 2 चम्मच है. इसमें मैं ये जो टमाटर काटे थे वो डाल दूंगी. इसके साथ ही जो मैंने चिकन रखा था मैरिनेट करके मैं वो डाल दूंगी. फिर मैंने इसे मीडियम आंच कर दी चूल्हे की. तो मैं प्लेट देके इसे छोड़ रही हूँ, ये खुद पानी छोड़ेगा और उसी में से ये बन जाएगा.
5 मिनट के लिए मैंने इसे ढाँप दिया है और 5 मिनट के बाद फिर मैं इसे हिलाऊंगी दो दफ़ा तकरीबन 10 मिनट में तकरीबन ये पक जाएगा। अब मैंने एक दफ़ा इसे बीच में से हिला दिया था, अभी उसी पानी में ये पक गया है, लेकिन अभी मैं इसे ये देखो इसमें घी बिल्कुल अलग हो गया। अभी मैं इसमें ये हरी मिर्च डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। मैं मक्खन भी इसी के साथ डाल दूंगी। तकरीबन 5 मिनट में और इसे पकाऊंगी। ये दही को मैं फेंट रही हूँ, तकरीबन 2 चम्मच है ये डाल दें और इसे थोड़ा सा हल करके बस उतार लें। 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो गया है। अपने आंच देखनी, जितनी आप तेज़ आंच रखते हो हल्की रखते हो उसके हिसाब से थोड़ा सा देख लें कि ये गल गया है नहीं गला तो उतार लें, वैसे ये पक चुका है।